नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। रुड़की के खंजरपुर निवासी एक सातिर चोर को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर 2 महीनों के लिए जिला बदर किया गया, जिसके बाद रुड़की कोतवाली पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ सातिर चोर को जिले की सीमा पर छोड़ दिया। गुंडा अधिनियम में पंकज पुत्र हरीश निवासी खंजरपुर कोतवाली रुड़की जनपद हरिद्वार पर गुंडा अधिनियम की कार्रवाई की गई थी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को ढोल नगाड़े के साथ पुरकाजी बॉर्डर मुजफ्फरनगर पर जाकर जनपद की सीमा से बाहर छोड़ दिया गया। साथ ही सख्त चेतावनी दी गई कि निर्धारित समय से पूर्व जनपद सीमा में प्रवेश करने पर उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पंकज पुत्र हरीश है, खंजरपुर का निवासी है, रुड़की थाने का। इसके जो खिलाफ जो है कई सारे चोरी के मुकदमे पहले से पंजीकृत थे, तो इसमें जिलाधिकारी हरिद्वार को एक रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी गई थी गुंडा एक्ट के तहत, और जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय के द्वारा ही इसको जो है 2 महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश प्राप्त हुआ था। तो इस क्रम में आज जो है इसको यहाँ से जिला बदर किया गया है और इसको जो है मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिला बदर क्या होता है। जिला बदर के दौरान अपराधी जिले सहित समीपवर्ती सीमा पर लगे जिलों की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित रहते हैं। अपराधी किसी भी न्यायालय में प्रकरण की स्थिति में जिला दंडाधिकारी के विधि संगत आदेश के बाद पेशी के एक दिन पहले उपस्थित हो सकते हैं। इसकी सूचना उन्हें संबंधित थाने में देनी होगी और पेशी खत्म होने के 6 घंटे के अंदर उन्हें जिला छोड़ना होगा। यानी अगर कोई अपराधी जिला बदर होता है तो उसे जो समय सीमा दी गई है, जो तय किया गया है, उससे पहले उस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं होगी।